जिला फुटबॉल लीग का हुआ शुभारंभ, शहर में निकाली गई रैली, सीएसपी ने दिखाई हरी झंडी। स्थानीय 9वीं बटालियन में एक सप्ताह तक चलेगी प्रतियोगिता, कई टीमें लेंगी भाग। बता दें कि 9वीं बटालियन रीवा में शुरू होने वाली जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। इस अवसर पर शहर के TRS कॉलेज चौराहे से खिलाड़ियों की जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर विभिन्न खेल प्रेमी सहित नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन जागरूकता रैली के संबंध में कोच मोहम्मद कासिम ने बताया कि बीते कई वर्षों से SF मैदान में फुटबॉल लीग का आयोजन होता आ रहा है। आज जो जन जागरूकता रैली निकाली जा रही है, वह युवाओं के खेल से जोड़ने और नशे से दूर रहने का संदेश देने का मुख्य उद्देश्य है। प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए मोहम्मद कासिम ने बताया कि 10 दिसंबर से लीग का आयोजन शुरू किया जाएगा, जो 18 दिसंबर तक चलने वाली है। फुटबॉल लीग में जिले भर की विभिन्न टीमें भाग ले रही हैं। हम आपको बता दें कि रीवा के SF ग्राउंड में बीते कई वर्षों से फुटबॉल लीग का आयोजन होता आ रहा है। इसमें से कई ऐसी प्रतिभाएं निकल कर सामने आई हैं जो आज देश दुनिया में रीवा का नाम रोशन कर रही हैं। प्रस्तुत है कोच मोहम्मद कासिम से प्राप्त जानकारी के अंश। रैली निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य? ये हमारी फुटबॉल खेल जागरूकता रैली है। ये युवाओं को जो नशे की ओर हमारा जो युवा समाज का जा रहा है, ये जिला फुटबॉल संघ द्वारा ये एक शुरुआत की गई है कि युवाओं को फुटबॉल से जोड़े और नशे से दूर रहें, फुटबॉल खेलें, अपना शरीर को स्वस्थ रखें, फुटबॉल खेलें, उन्नति करें, आगे बढ़े, ये उद्देश्य है। और रैली का मेन हमारा उद्देश्य है, हमारे जो 10 दिसंबर से 35वीं जिला फुटबॉल लीग 9वीं बटालियन के ऐसे फुटबॉल मैदान में आयोजित हो रही है, उस उद्देश्य से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल खेल से जोड़ने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया है। कब से कब तक यह हमारी प्रतियोगिता 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित होगी।